परिचय देते हुए क्या घटना हुई है यहाँ पे? सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति का उपाध्यक्ष हूँ सुधीर द्विवेदी। यहाँ पर 16 तारीख को एक बानर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी सुरेंद्र सिंह चौहान के द्वारा। उसके बाद इसको यहाँ पे सामने जगह थी एक खाली, पेड़ के नीचे दफना दिया गया था क्षेत्रीय लोगों द्वारा, जैसी हमें जानकारी मिली। उसके बाद इस आवाज़ को हमने उठाया और आज पोस्टमार्टम के लिए पुलिस प्रशासन के सहयोग से पोस्टमार्टम के लिए मैंने बॉडी भिजवा दी है और पोस्टमार्टम के बाद यहीं पर इसको दफनाया जाएगा। इसका जो भी क्रियाकर्म है सनातन के अनुरूप किया जाएगा और एक भव्य मंदिर यहीं पर निर्माण किया जाएगा। और जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होकर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हमारा मठ मंदिर इसकी कड़ी निंदा करता है और अपना धरना जारी रखेगा कल सुबह से। पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया गया इस मामले? पुलिस द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी हम शाम तक गिरफ्तारी करेंगे। कौन सी जगह है ये? यशोदा नगर वाई ब्लॉक है। गोली मार के दफनाने का मामला है, क्या ये पूरा पता? आज सुबह थाना नौबस्ता में वाई ब्लॉक के रहने वाले एक व्यक्ति अंजनी मिश्रा ने आके बताया कि हमारे मोहल्ले के रहने वाले 3 लोगों द्वारा एक बंदर को मार करके दफन कर दिया गया, जिसके संबंध में आज मैं उनसे पूछताछ करने गया, पूछने गया कि बंदर क्यों मारा, उसके जिसके रिएक्शन में उनको उनसे मारपीट की। सूचना पाकर की तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पहुंची, उसकी जांच की तो पता चला कि एक बंदर को 16-1 को जो एयर गन से मार दिया था, जिसको दफन कर दिया गया था, उसको कब्र से निकाल कर पोस्टमार्टम में भेज दी गई है। आगे उनके तहरीर पे अभियोग पंजीकृत करते हुए इसकी कार्रवाई की जा रही है। अन्य सभी पक्षों की जांच की जा रही है, जो भी पक्ष निकल के आएंगे, तथ्य निकल के आएंगे, उसके आधार पर आगे विधि कार्रवाई की जाएगी। इससे भी सामान्य है, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कमी हो सकती इसकी नहीं है। जिस चीज से बंदर को मारा गया, क्या वो एयर गन थी या भी कोई राइफल का इस्तेमाल था? नहीं, ऐसा बताया गया, उसकी भी जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट हो जाए, पीएम हो जाने दीजिए, रिपोर्ट आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार की गन इस्तेमाल हुआ है।